एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज यहाँ पे जस्ट बता देना व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस, लाइक सीरियसली, मतलब पबजी मोबाइल यू नो ग्लोबल लेजेंड की तो अभी एनिवर्सरी आने वाली है मार्च महीने में, तो क्या लगता है क्या BGMI भी ये कवर करेगा, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, क्या लगता है, क्या अंदाज़ बता। और अगर करेगा तो भाई साहब आपको बताए गवर्नमेंट फिर से रेडार में आ जाएगी क्योंकि ये तो पबजी से लिंक्ड है नहीं, समझ रहे ना, मतलब तो पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं। बहुत सारे जनों ने कमेंट किया BGMI एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी या फिर नहीं, वो तो पता नहीं, लेकिन स्किन्स जरूर आएंगे। एंड स्किन्स के बाजू में ब्रैकेट में वो स्पेसिफाई भी किया था कि कौन से स्किन्स, ठीक है, तो तेजस्वी लोग आप अंदाजा लगा लो कि उसने क्या वर्ड लिखा होगा। What is going on, everybody? Welcome back guys to the channel. And ये वीडियो में जो guys, मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला guys related about the Apex Legend Mobiles guys and उसी के साथ Battlefield Mobile. Yes guys, ये वीडियो में जो है guys हम बहुत ही न्यू गेम्स को कवर करने वाले हैं, अपकमिंग गेम्स जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है। आई मीन मैं एटलीस्ट बहुत एक्साइटेड हूँ वो गेम्स खेलने के लिए, क्योंकि सच्ची कहूँ तो मैं BGMI से अभी थोड़ा बोर हो गया हूँ। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि BGMI खेल के बोर हो गया हूँ, आई स्टिल प्ले विद माई फ्रेंड्स यू नो जस्ट थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, बट यू नो लाइक चैनल पे यही BGMI कवर करके आपको पता ही है ज्यादा वो लोग न्यू चीजें भी इंट्रोड्यूस नहीं करते महीने में या फिर डेढ़ महीने में एक एक बेटा आता है। फिर इसके बाद ग्लोबल लेजेंड तो आपको पता ही है ज्यादा मेजर चीजें न्यू नहीं आ रही है, तो या सॉर्ट ऑफ जो है गाइस BGMI में कवर करने के लिए ज्यादा कुछ रहता नहीं है। बट यहाँ पे जो है गाइस अभी मेजर न्यू गेम्स आने वाले हैं, कॉड वॉरजोन तो आने ही वाला है, बट कॉड वॉरजोन के बारे में कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन गाइस एपेक्स लेजेंड मोबाइल्स एंड बैटलफील्ड मोबाइल के बारे में जो है गाइस कुछ खबर निकल के आई है, एंड कुछ ही टाइम में जो है गाइस हमें वो गेम्स खेलने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है गाइस वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस यहाँ पे जस्ट बता देना व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट This. Like seriously, मतलब पबजी मोबाइल यू नो ग्लोबल लेजेंड की तो अभी एनिवर्सरी आने वाली है मार्च महीने में, तो क्या लगता है क्या BGMI भी ये कवर करेगा, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, और अगर करेगा तो भाई साहब आपको बताएगा गवर्नमेंट फिर से रेडार में आ जाएगी क्योंकि ये तो पबजी से लिंक्ड है नहीं, समझ रहे ना, मतलब तुम लोग तो पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं। बहुत सारे जनों ने कमेंट किया BGMI एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी या फिर नहीं, वो तो पता नहीं, लेकिन स्किन्स जरूर आएंगे। एंड स्किन्स के बाजू में ब्रैकेट में वो स्पेसिफाई भी किया था कि कौन से स्किन्स, ठीक है, तो तेजस्वी लोग आप अंदाजा लगा लो कि उसने क्या वर्ड लिखा होगा, ठीक है। बट यहाँ भी जाएगा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहले जो है हम कवर करेंगे रिलेटेड अबाउट द एपेक्स लेजेंड मोबाइल्स। बहुत सारे जन जो है यहाँ पे कमेंट्स कर रहे थे एंड पूछ रहे थे कि भाई ये गेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दो, क्या हुआ ये गेम, आ क्यों नहीं रहा है, इसका कुछ बेटा भी नहीं है। तो अभी जो है गाइस फाइनली द ऑफिशियल न्यूज इज आउट, एंड यहाँ पे जैसे देख रहे हो ऑफिशियली जो है गाइस रिस्पॉन वालों ने यहाँ पे ये अपलोड किया है, ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये जो है गाइस इन्होंने कल रात को रिलीज की, एंड यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया द सॉफ्ट लॉन्च फॉर एपेक्स मोबाइल इज कमिंग फॉर दोज इन द कंट्रीज मेंशन बिलो। तो यहाँ पे जो है गाइस कुछ कंट्रीज है, एंड या इट्स नॉट अ ग्लोबल लॉन्च, इट इज अ सॉफ्ट लॉन्च, ग्लोबल लॉन्च के आसपास ही आता है वो। एंड मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत सारे वीडियोस में एपेक्स लेजेंड से रिलेटेड कि भाई अभी कुछ यहाँ पे बेटा वर्जन वगैरह आएगा नहीं, यहाँ पे जो है गाइस ये लोग ग्लोबल लॉन्च के क्लोज आ रहे हैं, तो अभी जो है सॉफ्ट लॉन्च वगैरह आ सकता है। एंड हियर इट इज गाइस, एक सॉफ्ट लॉन्च जो है गाइस हमें देखने को मिलने वाला है, हालांकि इसकी डेट जो है गाइस अभी तक इन्होंने बताई नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये फोटो डाला है, तो यहाँ पे जो है गाइस इन्होंने लिखा है कॉलिंग ऑल लेजेंड्स इन अर्जेंटीना। अभी ये जो लोकेशन है गाइस यहाँ पे वो सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है, ठीक है। अभी ऑफकोर्स यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंगापुर है, तो शायद से जो है गाइस इंडियन प्लेयर्स को VPN की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ी भी तो सिंगापुर का सर्वर आप कनेक्ट कर सकते हो, विच इज अ रियली गुड थिंग, क्योंकि सिंगापुर में आपको कम से कम पिंग मिलेगी एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे जगह मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से है, तो यहाँ पे अर्जेंटीना है, कोलंबिया है, पेरू, मेक्सिको, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे जगह ये सब कंट्रीज है जहाँ पे ये सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है, एंड द सॉफ्ट लॉन्च फॉर एपेक्स लेजेंड मोबाइल इज कमिंग, प्री रजिस्ट्रेशन इज ओनली अवेलेबल इन दिस कंट्री वाया द गूगल प्ले स्टोर, सो विजिट द लिंक टू पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे जगह ये जो आप लिंक देख रहे हो यहाँ से आप यू नो पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर प्री रजिस्टर कर सकते हो, जो कि है गाइस ये वाले लिंक यहाँ पे जैसे देख रहे हो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। एंड गाइस मैं अगर मोबाइल में ओपन करता हूँ तो मुझे इंस्टॉल का बटन भी दिखा रहा है, हालांकि वो अर्ली एक्सेस है, तो पता नहीं सेम वर्जन है या फिर नहीं, बट जो भी है इट्स कमिंग। एंड यहाँ पे जो है इन्होंने डेट नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे जो है एक सैड न्यूज है iOS यूजर्स के लिए, यहाँ पे जो है लास्ट लाइन लिखी है फॉर ऑल द अदर लेजेंड्स इंक्लूडिंग iOS प्लेयर्स, लिटरली iOS प्लेयर्स आर लेजेंड मैन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग यही होता है कि ये जो है ये सॉफ्ट लॉन्च ये iOS के लिए नहीं होने वाला है, iOS के लिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि सीधा ग्लोबल लॉन्च के टाइम ही iOS वालों को खेलने को मिलेगा, तो या वो एक सैड न्यूज है गाइस। सो अगर कोई iOS वाला देख रहा है जो एक्साइटेड था एपेक्स मोबाइल के लिए, तो यहाँ पे जो है
iOS वाले बंदे को खेलने को नहीं मिलेगा फिलहाल के लिए सॉफ्ट लॉन्च। ये जो है गाइस ओनली एंड्रॉइड रिलेटेड है एंड यहाँ पे मैंने आपको कंट्रीज बता दी कि कौन कौन से रीजन के लिए ये सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है। तो या स्टे ट्यून्ड, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस ये गेम के लिए। मैंने ये गेम बहुत खेला इन द सेंस इसके जो भी बेटास आए थे मैंने कवर किए लाइव स्ट्रीम की चैनल पे। एंड या लाइव स्ट्रीम से एक बात आई, मैं अपने सेकंड चैनल पे लाइव स्ट्रीम बहुत महीनों से, डेढ़ महीना तो हो गया होगा, तो टेंशन मत लो, जस्ट यू नो लाइफ में यार कुछ ज़्यादा ही हलचलें हो रही है तो इस वजह से जो है नो वो सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। बट कोई टेंशन नहीं, जल्द से जल्द जो है इसमें सेकंड चैनल पे आने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे जो है गेम्स आ रहे हैं। सो गाइस आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव ऑन दैट सेकंड चैनल टू, टेंशन मत लो, अनसब्सक्राइब मत करो वहाँ पे। मैं जल्दी जो है लाइव स्ट्रीम आने की कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना। सो अभी जो है ये तो थी एपेक्स लेजेंड्स रिलेटेड, अभी जो है हम बढ़ते हैं बैटलफील्ड मोबाइल से रिलेटेड। बैटलफील्ड मोबाइल के भी बहुत सारे फैंस है इंक्लूडिंग मी, आई एम अ डायहार्ड फैन ऑफ बैटलफील्ड। तो यहाँ पे जो है बैटलफील्ड मोबाइल का भी जो है एक बेटा आने वाला है एंड ऑफ दिस मंथ फरवरी के एंड तक जो है हमें एक बेटा वर्जन देखने को मिलने वाला है। एंड ये जो है गाइस ये कंफर्म न्यूज है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली आई थिंक कल जो है गाइस 1 फरवरी को कुछ तो एक शेयर होल्डर के साथ मीटिंग होती है, तो वहां पे जो है गाइस ये आई थिंक खबर निकल के आई है। तो या बैटलफील्ड मोबाइल इज ऑन द वे। हालांकि जो है गाइस बैटलफील्ड वाली भी जो फ्रेंचाइज है वो थोड़ी अभी यू नो ठंडी हो गई है या फिर फ्लॉप हो गई है। अगर आप कहते हो बैटलफील्ड 2042 को क्या हुआ, इट्स अ पीसी गेम जो जिन जिनको पता नहीं है, तो इट वॉज ऑल्सो टोटल डिजास्टर सच्ची में यार, मतलब इट वॉज अ फ्लॉप। एंड पर्सनली ये गेम मैंने जो है गाइस प्री ऑर्डर किया था 5,500 रुपए का मैंने ये गेम खरीदा था। एंड गाइस अभी के डेट में अगर आप मुझसे रिव्यू पूछते हो गेम का तो इट इज अ मेस, इट वॉज मतलब क्या ही कहूँ यार, पैसे वेस्ट हो गए सच्ची में। बहुत बुरा लग रहा है खुद के मुंह से ये कहना क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन था बैटलफील्ड की फ्रेंचाइज का, या यू नो 4 खेला है, 3 खेला है, हार्डलाइन दिया है, मतलब हर एक गेम मैंने परचेस किया बैटलफील्ड का देखा जाए तो। एंड ये गेम भी जो है गाइस मैंने खरीदा था, लेकिन जो है गाइस ये गेम सीरियसली डिसअपॉइंटेड हुआ, लाइक पूरा का पूरा जो प्लेयर बेस है गाइस वो यू नो थोड़ा भड़क गया है। तो देखते हैं गाइस बैटलफील्ड मोबाइल कैसे होता है। मोबाइल में भी जो है गाइस अभी ये लोग होपफुली जो है अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करे। सो गाइस बैटलफील्ड मोबाइल का जो फर्स्ट बीटा था गाइस जो मैंने कवर किया था चैनल पे, हालांकि इतना भी अच्छा नहीं था वो, बहुत सारे ग्लिचेस बग्स थे एंड यू नो ग्राफिक भी इतने अच्छे नहीं थे। सो देखते हैं गाइस अभी ये सेकंड बीटा में क्या होता है, ये मंथ के एंड तक तो हमें देखने को मिल जाएगा। चैनल पे जरूर मैं कवर कर दूंगा एंड आपको बता दूंगा ये सब चीजें। अगर आप इंटरेस्टेड हो गाइस वैरायटीज ऑफ गेम्स के लिए, मैं डेफिनेटली ये सब चीजें कवर करूंगा चैनल पे। सो बस गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना एंड मैं आपसे मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। सो प्लीज सब कर आई वांट टू रीच 1 मिलियन लाइक्स। हां हलवाई क्या?